हाँ बैग है, ये लो, ये लो मेरे वाला बैग। जो जो सामान रखने वाला है। हाँ हाँ रखो रखो। हेलो गाइज, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे सुबह के। एक और केदारनाथ यात्रा की जर्नी स्टार्ट 2021 की, 2020 की आप लोगों ने देख ही रखी है। अभी मैं हूँ सीतापुर में। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, मैं 27 को ट्रैक करूँगा और फैमिली के साथ हूँ। जो आने का जर्नी था ऑलमोस्ट सब सेम ही है, सब लोग कर ही चुके हैं, मैंने भी लास्ट टाइम डाल ही चुका हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें शूट नहीं किया। हमारा भी टेंट टर्मिनेटेड था, जो हम जोधपुर से जब रवाना हुए थे तो अम्बाला कैंट तक ही वो आया था। फिर वहाँ से जो गाड़ी हमें हरिद्वार लेने आने वाला था उसी को फिर हम आगे बुलाए अम्बाला कैंट तक, फिर उसी में आके हम सीधा यहाँ तक आए थे। बट रास्ते में वही ओखी मठ वगैरह, देवप्रयाग संगम, ये सब देखते देखते शाम तक पहुँच गए थे हम कल सीतापुर के अंदर। बट गाड़ी ड्राइवर ने बहुत अच्छा चलाया था, तो हम अराउंड मान लीजिए 6 PM के आसपास हम यहाँ पहुँच गए थे, टाइम पर पहुँच गए थे। और जब हम रुके हुए हैं धारीवाल में, रुके हुए हैं, बहुत अच्छा होटल है ये और रिजनेबल रेट है इसका, ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपये में आपको इसके 1200 रुपये में इसके रूम मिल जाते हैं और खाना भी अच्छा है इसका, नो डाउट। तो हम सारे परिवार वाले यहीं रुके हुए थे, तो अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। और अभी हम हमारी गाड़ी में देखो सामान वामान सब लोड हो ही रहा है, सामने लगेज लोड करके। वेदर भी अच्छा हो रखा है, वैसे कल भी बारिश हुई थी यहाँ पर, बूंदाबांदी हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, बूंदाबांदी था बट था कल। बस टचोट उम्मीद है आज ना हो। कल शाम को ऊपर केदारनाथ में भी स्नोफॉल हुआ है, केदारनाथ में भी बारिश हुई है, मेरा खुद का जुकाम, सर्दी हो रखी है, जुकाम हो रखा है मुझे खुद। तो कल टैबलेट लेके सोया, तब जाके मामला बना मेरा, तब जाके सुबह तक मैं ठीक हुआ। आपको रूम दिखा देता हूँ मैं, रूम कैसा है। ये है फोर सेविंग में, दो बेड लगे होते हैं डबल बेड के, अच्छा बना हुआ, बहुत अच्छा है। वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, वॉशरूम अच्छा बना हुआ भैया। ये है फोर सेविंग में, मैंने क्या दिखा था 5 सेविंग के अंदर, तो आपको साथ में डबल सेविंग दिखा देते हैं जो कल हमने लिया था, ये वाला, ये डबल सेविंग रूम था, दो लोग रुक सकते हैं। ये सीतापुर में इनके भी मोस्टली बना लूँगा, बहुत अच्छे बने हुए हैं। ऐसा फोटो वोटो हो रहे हैं, फोटो से सब बच्चे बच्चे तो फोटो क्लिक कर रहे हैं, मैं भी फोटो, मैंने फोटो नहीं क्लिक किया, मैं भी फोटो क्लिक कर लूँ। हाँ जी पाला, स्टे कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। और खाना वाना कैसा लगा आपको? खाना भी अच्छा, मस्त मस्त था। और रात को नींद सब अच्छे से आई? एकदम फर्स्ट क्लास। और होटल का स्टाफ बहुत ठीक था, सही था, कोऑपरेटिव था, गर्म गर्म पानी आराम से दे दिया, अच्छे से टाइम टू टाइम दे दिया था, बिल्कुल। क्योंकि मैं दिक्कत होती है अपने को, यहाँ से ठंड वाला इलाका है ना, गर्म पानी चाहिए होता टाइम टू टाइम, और सुबह जल्दी जल्दी निकलना भी है, हालांकि हम आधा घंटा लेट हैं, ठीक है यात्रा पर आया है, चलता है। अजय अनिल जी, हाय, हेलो, हाउ आर यू? रात को बढ़िया से, अच्छे से सोए? बढ़िया जी बढ़िया, नींद अच्छे से आनी चाहिए। चलो 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 सब चलो, ना 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 ऑल सेट, सब आ गए? अरे आधार कार्ड सब जेब में है नहीं सब, अरे और कौन ला रहा? चलो बैठो गाड़ी में, आपसे भी देखेंगे, अभी लेट हो गया, ठीक है, गाड़ी वापस अभी लगे, ठीक है ना, अगर कोई भी आगे ला रहा है नहीं, यही कर रोड पर, ढंग से बताओ
घोड़े 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 ज़्यादा लेंगे, ढंग से बताओ। अरे सर रेट गवर्नमेंट हमारा नहीं है। अरे गवर्नमेंट का तो 2500 है। 2500 यहाँ से 2300। चलो अभी देखते हैं यार, ये रेट है ही नहीं, मतलब इस रेट में तो गवर्नमेंट के रेट। अरे आपका रेट ये रेट नहीं होगा ना, हमेशा मैं दूसरे साथ चले जा रहा हूँ। देखो नहीं ऑफिस वाला लेना नहीं है, रास्ते पे देख लेंगे। अभी वहाँ चलो यहाँ पे सोनपुर को देख लेते क्या करना। रेट जब तक सोच लो आप क्या करना। सोच लिया फिर ठीक है जान दो। 2300 में तो नहीं लेना। सब आ जाओ आ जाओ, सब लाइन सर लाइन सर आ जाओ। मैया मैया आ जाओ मैया, सब सब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये घोड़े की पर्ची कटवा रहे हैं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना है आपको। बस सीधा जाओ, कोई अभी के अपडेट में ना आया, कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बस आप सीधा आओ सीधे जाओ, कोई चेकिंग नहीं है। सिर्फ हरिद्वार पे हो रहा था, RAT टेस्ट करा रहे थे वो वहाँ पर, अगर जिसके डबल डोज नहीं है तो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, आपके सामने जा रहा हूँ, देख लो स्टोरी आप लोगों ने देख ही लिया है। तो इतना टेंशन मत लो, आराम से हो जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ अगर लेना है तो ले सकते हो, यहाँ पर रास्ते बने रहते। जहाँ अभी तक इतने टेंशन में चल रहे थे, जितनी भीड़ थी, लंबे लंबे लाइनें लग रही थी, कोई लाइनें नहीं लग रही है अभी। सब आराम से आओ आराम से जाओ, अभी कोई ना चेकिंग है कुछ भी नहीं है। बट ये है कि जब आ रहे हो तो जल्दी जाओ, और ज़्यादा लेट नहीं करना अपने को। ज़्यादा जितना लेट करोगे फिर वही है ना, अभी तो लोग हो सकते ठंड की वजह से सो रहे हो, उठे ना हो, भैया कुछ अब जल्दी चले गए होंगे। हमें भी जल्दी जाना था, पर अब ठीक है परिवार के साथ आए ना तो ज़्यादा जल्दी हम कर नहीं सकते, तो उसके हिसाब से परिवार के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। तो फिर भी ठीक है, 6:30 बजे हम निकल गए थे और यहाँ पर भी पहुँच गए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं अभी तक। आइडियल देखो तो अभी मतलब 20-25 मिनट में पहुँच गए, 6:51 हो रहा है, मतलब आधा घंटा लगा है सॉरी। तो बस अभी 2-4 सवारी और आ रही है, ये यहाँ से टैक्सी चलती है। कितने रुपये ले रहे हैं टैक्सी वाले? अभी टैक्सी वाला कितना ले रहा है? हाँ तो बस 30 रुपये ले रहे हैं ये, 30 रुपये देके हम चल लेंगे गौरीपुर। अरे मैं करूँगा एक ही से करूँगा, और बट उसमें रेट का देख लो आप पहले। मैं रेट दो इतना देने वाला नहीं हूँ, मैं 2300 को नहीं दूँगा। या तो हो सकता है लोग सोए हुए हैं, या हो सकता है लोग अभी सुबह जल्दी चले गए, पर क्योंकि जैसे कल ट्रेनें काफ़ी लोगों की लेट हो गई थी तो लग नहीं रहा कि आ जाएंगे लोग, बहुत कमी है भीड़। इससे तो कहीं ज़्यादा हमारे लास्ट ईयर थी जब लास्ट ईयर में आया था। अच्छा है कम भीड़ होगी, फैमिली वाले आराम से दर्शन करेंगे, आप भी करना मैं भी करूँगा, सब लोग करेंगे, जय भोले बोलते चलेंगे, जय भोले। कहाँ से हो भैया आप? हम राजस्थान जोधपुर से। हम जोधपुर से, हम भी जोधपुर से। हम पाली से, पाली से, पाली से। तो भाई भाई है सब। बता दे रास्ते वाले भी बहुत मिलेगा रास्ते पर। कहाँ लूट रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार? आज आने का कितना लेते हो? 1000 रुपये में मैं भिजवा दूंगा आपको, बताओ। सबसे ज्यादा घोड़े वाले तो पता नहीं चलोगे, घोड़ा 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 2500 2300 2200 2000, इससे ज़्यादा देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए ठीक है। लकड़िया साथ होना जरूरी है भाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना फोटो सही नहीं आने। गौरीकुंड का मार्केट भी अच्छा बना हुआ है, लास्ट ईयर भी अपन थे यहाँ पर। आप कहाँ से हो भैया वैसे? हाँ कहाँ से? चमोली। अच्छा चमोली, ओके। तो आप यहाँ पे सिर्फ घोड़ा लगाने आते हो? सही है, सिर्फ 10-9 दिन रहेंगे बस। अभी तो माने भी हिम्मत धीरे 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 चल रहा है। चलो चलो आगे। Thank you.
ओहो झरना, जय बोले जय बोले जय बोले जय बोले। घोड़े का मामले में पूरा ध्यान रखना, घोड़े अच्छे लेना ठीक है भैया। ये गुड़ क्या घोड़ा घोड़ा खाएगा है? अच्छा अच्छा, तो घोड़े वाले आपसे रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 2300 रुपये 2500 रुपये, वहाँ पर इतना है यहाँ पर इतना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो सब खाली पड़ा है, सब खाली पड़ा है घोड़े वाले। 2000 से ज़्यादा किसी को नहीं दे रहा, ध्यान रखना। कम और कम बार्गेनिंग कर सकते हो तो करो, पर 2000 से ज़्यादा किसी को मत दे रहा। फाइनली अब हमारी जर्नी हुई स्टार्ट, अब हम हाफते हाफते चलेंगे, सांस आई की बात, सांस बाहर आते आते हम चलेंगे तो मजा आएगा। दीखा को नहीं गई है दीखा, कल बर्फ गिरी है तगड़ी वाली। जय बोले जय बोले। 1 किलोमीटर बाद ही, 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, जैकेट वैकेट उतर गया, पर अभी तो स्नो कल गिरी है ना, वो देखो पहाड़ पे, अगर आपको दिखाई दे रही है, वाह वाह स्नो कल गिरा था तो यहीं से दिखने लग गया था। लास्ट टाइम आपको पता कितना दूर से दिखा था मैं, मतलब कितने देर बाद, लगभग 10-11 किलोमीटर चलने के बाद हल्की सी झलक पड़ी थी। इस बार जल्दी है, होप सो यार आज भी हो जाएगा सिंस, अगर आज स्नोफॉल होगी ना मज़ा आ जाएगा। हेलीकॉप्टर भी चल ही रहा है आज, देखो कहाँ गए सब, और वेदर भी आज क्लियर है, किस्मत ने साथ दिया। कल तो बारिश हो रही थी, शाम को भी बारिश में गए थे, हल्के हल्की फुल्की बूंदाबांदी थी, ज़्यादा नहीं था, बट कल ऊपर बारिश हुई थी केदारनाथ में, और स्नोफॉल भी हुआ। तो जय बोले करते हुए चलते रहेंगे, बस ये दो छोटी छोटी सवारियाँ हैं, देखते हैं ये कितने टाइम तक चलते हैं। एक तो खुश हो गई, वो गए आगे। इस बार की पहली वॉटर रिफिलिंग, अच्छी आप ही से तो इंस्पिरेशन मिला है आज गाने का। आज भाई ट्रैकिंग करने वाले थे उसमें यूट्यूब, हाँ हाँ आज आज ही क्या मेरा ट्रैक स्टार्ट अपना। जय केदार ठीक है भैया, ले भैया चलिए ऊपर मिलते हैं, बिल्कुल ऊपर मिलते हैं, ठीक है अंकल आराम से, ओके थैंक यू भाई। जो घोड़े में गए उनको कहाँ जन्मों की मजा आता है, जन्मों की मजा थाम लेंगे। यहाँ सारे घोड़े वाले ये देखो सब घोड़े खाली है, तो आप वहाँ से करके मत आना, यहीं आके घोड़े करो, सस्ते भी होंगे और वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा ले रहे, 2300 रुपये गवर्नमेंट का स्लिप है, मैंने 2000 रुपये में किया है क्योंकि मेरे साथ थोड़े बुजुर्ग थे, मैंने आगे का रिस्क नहीं लिया, आगे भी घोड़े मिल रहे हैं आराम से, टेंशन लो मत, मतलब ये वो आपको डराएंगे, अरे आगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आगे रेट बहुत ज़्यादा है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आराम से मिलेंगे घोड़े और रेट भी कम लगेगी। चलो सर, गवर्नमेंट का टॉयलेट अब लेट हो चुका है, क्या भाई? लेट लेट बचा है, टॉयलेट बचा ही नहीं है, आपका ब्लॉग काफी हमने देखा है।
अभी का व्लॉग देखते हैं, देखे थे हमने। थैंक यू सो मच। सुभमान आप ही के हिसाब से था। शुभ नाम सर? वीरेंद्र शर्मा। हम कल भी बरसात आ रही थी, सुबह टेंशन, रात को भी टेंशन था, कल बरसात आ गई तो पंगे ना हो जाए। बम बम बोले, बम बम बोले, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। ये मेरा सेकंड टाइम है, लास्ट ईयर आया था मैं। हाय हाय। एक्चुअली क्या है ना, लास्ट टाइम जब मैं आया था लॉकडाउन था पूरा, और लॉकडाउन के चक्कर फिर वापस जब मैंने वीडियोस वगैरह डाले थे तो लोगों को एकदम से कि इस साल जाना बहुत ज़्यादा, और लोगों में क्रेज लास्ट ईयर से ही आया है। उससे पहले जाना था बट बहुत कम लोगों को क्रेज़ नहीं था, अब जो क्रेज़ आया वो इसी टाइम आया। टैग कर देना भाई, डालो तो टैग कर देना भाई। हाँ, इंस्टा पे। बिल्कुल बिल्कुल जी, आ जाओ भाई, इनका सब तभी लाइक समझ लो। इसका बैकपैक आपके वीडियो का देखते हुए। हाँ भाई, आपका पूरा वीडियो देखा बैठ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग मिलते हैं तो। चलो, एक मेहनत किया हुआ वर्क लगता है कि हाँ। हमारे साथ तो आपको हम पहचान रहे हैं ना, कोई ना, वीडियो भी ठीक है। आप तो आते रहते हो ना यहाँ? हाँ सर। चलो जी, जी जी। आप लोगों के प्यार अभी तक ऑनलाइन ही देखता हुआ आ रहा था, अब जब रियल देखता हूँ ना तो मतलब जो फीलिंग आ रही है, शायद मैं अपने, मेरे पास शब्द नहीं होगा, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो अभी जैसे काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं, देखो। हाय हाय, आपका नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम अनुज झा। अच्छा अनुज सर, ओके ओके। शरद अग्रवाल फ्रॉम नोएडा। ओहो, ग्रेट सर, ग्रेट। नितिन फ्रॉम नोएडा। वीरेंद्र शर्मा फ्रॉम नोएडा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब यार रियल में मिलता है ना, तो उसका फीलिंग अलग ही है। यू आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब, कीप डूइंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़े ऊपर, थोड़े डरा, थोड़ी ऊपर, थोड़ी डरा, थोड़े थोड़े पोटा तो पोटा छा। अरे फोटो वोटो हो जाए बढ़िया। नहीं भाई, फोटो वोटो खींच लिया ऊपर। हाँ, पहले 100 रुपये पे पहुँच गए। आज का ट्रैक 7:15 बजे स्टार्ट किया था हमने। घोड़ा वोड़ा करने के बाद 8 बजे से ट्रैक हमने स्टार्ट किया है, और अभी टाइम हो गया है 8:50। सही चल रहा है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर चल लिए हैं। पहला स्टॉप पेज आ गया हमारा, जो सब लोग रुकते हैं। पहला स्टॉप पेज थोड़ा आराम कर लेते हैं, फोटो वोटो क्लिक करते हैं। सामने देखो, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? बर्फ़ गिरी है ना कल, तो यहीं से दिख रहा है ऊपर, और मज़ा आने वाला है। ये एक वॉशरूम बना हुआ है, पर हालत देखोगे ना बहुत गंदा हो रखा है, खतरनाक हो रहा है, बेकार है, गंदा। ये हालत ही ख़राब हो रही, मतलब देखा ही नहीं सकता मैं, इतना गंदा है वॉशरूम, बहुत मतलब देख नहीं सकते। यूज़ करना तो बहुत ही दूर की बात है, जो कि मैंने वीडियो में भी बताया था आप सब लोगों को। बीच में वॉशरूम बने हुए हैं, बट यूज़ नहीं कर सकते,
तो इनर वगैरह पहन के ट्रैक मत करना मत करना मत करना। घोड़े आ गए और पता नहीं लोगों को घोड़ा क्यों सी यार, जो मज़ा पैदल चलने में है वो और कहाँ है। 9:15 तक अभी सिर्फ बारह मंदिर ही पहुँचे हैं। 2 किलोमीटर भी 7 किलोमीटर लग रहे दिनेश जी को। नहीं दिनेश जी कितना, 7 किलोमीटर मतलब अभी थोड़ी देर में तो आ ही रहा मंदिर है। अभी टाइम है बस मेन चढ़ाई होगी, अब आराम बस वही रास्ता है रास्ता है, अब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। हाँ 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 वाला नहीं नहीं सही हाई स्पीड सही है था कि नहीं और जाए हाथ जोड़ दो ये जैसे भाई साहब सामने बड़ा पानी सी जाए। कोई नहीं दो चार लोग तो ऊपर ही है। ओए 1300 5 जो घोड़े वाले बोल रहे पैसे घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए सीधा बोलो 1000 रुपए चलना तो चले नहीं तो पैदल चलो। कसम से तो एनर्जी इस पहाड़ के पानी में है ना, ऐसी एनर्जी आपको दूध से मिनरल वाटर या पैकिंग बॉटल में बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था अर्किदून के ट्रैक में भी इस पानी में जितना एनर्जी है भाई, कितने भी थके हुए हो जस्ट हाथ गीले कर लो। कलर से हो गए इस लकड़ी का कलर उतर रहा है, इन्होंने पेंटिंग ढंग से नहीं किया तो थकान हो जो भी झरने चल रहे हाथ गीला कर लो या मुंह धो लो, जो एनर्जी मिलेगी मज़ा आ जाएगा। हैं लकड़ी गिरा दी लकड़ी, चल बेटा जी चलो। और नहीं है ये इसको जबरदस्ती लेके आए आज, गुस्सा आ गया गुस्सा सामने आ गया, कुछ ना कुछ खाएंगे यहाँ पर। अरे भैया जगह है, हाँ मैगी है कितना कितने का पराठा, कौन सा आलू का ठीक है, एक पराठा और एक मैगी लगाओ और लेने। छोटा सा मार्केट बना हुआ है यहाँ पर, खाने पीने का बहुत सारा बना हुआ है तो आराम से आप खा सकते हो। हाँ जी हम आप ही की वीडियो देख रहे हैं। अरे अरे क्या नाम, क्या आपकी वीडियो बहुत देखी है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी जब लास्ट टाइम निकल रहे थे ना तब भी आपकी वीडियो ये पास वगैरह सब चीज़ें आप ही की देखी थी हमने पूरी। हाँ आपकी मैंने वो वाली वीडियो भी देखी जिसमें बर्फ पड़ती है ना लास्ट ईयर वाला। हाँ अच्छा देखा था, आप इस साल भी आए हो। हाँ हाँ आज सुबह ट्रैक स्टार्ट किया, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया, मैंने कहा मैंने भैया को बताया मैंने वो भैया। अरे अरे चलो आ जाओ मिलते हैं ऊपर, ठीक ठीक है ओके भाई। मोड़ लिया पहले तो सब्सक्राइबर मिल जाता, बहुत सारे लोग मिले आज, काफ़ी लोग मिल गए, अच्छा लगता है बात करके। बड़ी बात है वो पहचान ले रहे हैं मुझे, प्यार है आप सबका देखे बहुत अच्छा लगता है। सारे घोड़े पार्किंग में लगे हुए सारे, तो मतलब गौरीकुंड से 3-4 किलोमीटर चलोगे ना। हाय कैसे हैं। हाय थैंक यू भाई थैंक यू, कैसे हो क्या नाम। ठीक ठाक है शांतन, शांतन कोलकाता से। अच्छा कोलकाता से आप, ग्रेट। बाकी टीम वाले सब पीछे रह गए, बाकी टीम वाले सब पीछे रह गए। अच्छा अच्छा कितने लोग आए हो। 23। अरे वाह सही है भाई, बढ़िया बढ़िया। मैं आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू भाई थैंक यू। कैसा गाड़ी में तो बस से नहीं ट्रेन से। हाँ हाँ हाय हाय कैसे। कल आपको देखा था मैं कहाँ पर अपना सीतापुर नहीं तो हरिद्वार हरिद्वार के आगे। अच्छा अच्छा आगे बैठे थे ना आगे बैठा था मैं देखा था आपको। अच्छा गाड़ी में चलते हुए ट्रैवलर में था ना। हाँ ट्रैवलर में था आपका वीडियो देखा था ना मैं ट्रैवलर में पहचान लिया क्या यूट्यूब पे देखा था।